उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को साधने के लिए पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज के हंडिया में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई और बाराबंकी में एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी। चालकों की ओर से पिछले 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। मांग है कि कोरोना में शहीद हुए एलटी पायलटों को बीमा की रकम के 50 लाख रुपए दिए जाएं। इसके साथ ही ठेका प्रथा बंद कर एनआरएचएम में शामिल किया जाए। एम्बुलेंस चालकों ने 1000 कर्मचारियों को बहाल करने की भी मांग की है। दरअसल एम्बुलेंस चालक दूसरी कंपनी को ठेका दिए जाने से नाराज हैं। एम्बुलेंस रुकी क्या? हम लोगों ने 3 दिन का धरना किया था कि शांतिपुर हम लोग बैठे हुए थे, सरकार या प्रशासन कोई हमारी बात सुने, कोई बात सुनने तैयार नहीं हुआ। सबसे पहले तो हमारे जो एलएस के 1000 कर्मचारी निकाले गए उनको ब्लैक किया जाए, ठीक। दूसरी ठेका प्रथा बंद कीजिए, हम लोगों ने अच्छा में शामिल किया जाए। और कोरोना जैसे महामारी हमारे जो 9 भाई शहीद हुए अभी तक उनको 50 लाख का बीमा पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। इसलिए हम लोगों ने आज मजबूर होकर कल रात 12 बजे सारी गाड़ियाँ खड़ी की हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी तब तक कोई भी गाड़ी नहीं चली। पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिला बंद है। माता सीता का हरण होने से बचाने का प्रयास करने वाले जटायु की सांस्कृतिक धरोहर का जीर्णोद्धार करने की मुहिम शुरू हो गई है। जटायु पारा श्री कोदंड राम क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कुम्मनम राजशेखरन अयोध्या पहुंचे। सरायरासी गांव में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह से उन्होंने मुलाकात की। जटायु राम मंदिर में 1500 सीढ़ियां बनवाने के लिए रोहित सिंह ने जिम्मेदारी ली है। इसमें लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। बता दें कि जटायु राम मंदिर केरल के कोल्लम जिले में है। केरल में जटायु जी जहाँ घायल हुए थे, गिरे थे, उस स्थान को आप जागृत कर रहे हैं और उसी स्थान के लिए आप पूरे यूपी से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने 51 सीढ़ियों को बनाने का आश्वासन दिया है। लगभग 10 लाख रुपए यहाँ से सहयोग राशि जाएगी हमारे अयोध्या जनपद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित लोनी के इंदिरा मार्केट में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। कपड़े के शोरूम में आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने दमकल टीम को सूचना दी। आग लगने की घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वाराणसी में वरुणा पुल टीवी टावर के नजदीक गाड़ी चोरी करते हुए एक चोर को लोगों ने धर दबोचा। आरोप है कि चोर साइकिल की चाबी से गाड़ी का दरवाजा खोल चुका था। जब आसपास के लोगों की उस पर नजर पड़ी तो चोर पकड़ लिया गया। इस घटना के बाद वाराणसी कमिश्नरेट की कैंट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची।